हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरी टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा कि मल्टीमीटर से एलईडी के कंपोनेंट कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, आप लोगों को आसानी होगा, इजी होगा, जिससे आप कंपोनेंट को फॉल्ट पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग एसी करंट देते हैं वो हो गया इसका फ्यूज रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है ये आपको 47 ओम्स के करीब में लगा रहता है, ठीक है। और इसको टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से किस प्रकार से। तो दोस्तों सबसे पहले मल्टीमीटर ले लीजिएगा और यहाँ देखिए डायोड का सीन लगा है और यहाँ बीप का साउंड होता है, तो आपको यहाँ पर इस जगह इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद में दोस्तों इसको, ये जो रेजिस्टेंस है इसका दोनों लेग पर हम लोग इसको लगाएंगे कुछ इस तरह से। और इस तरह से ये बीप का साउंड देगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। और इसको फ्यूज रेजिस्टेंस बोला जाता है दोस्तों, ये फ्यूज का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कंटिन्यूटी दे रहा है तो ये बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट कंपोनेंट बात करेंगे एमओवी, ठीक है। ये जो एमओवी रहता है ये भी फ्यूज का काम करता है और इसको जो टेस्ट करने का तरीका वो सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए ये सेम यहाँ बीप का साउंड पे ही रहेगा, लेकिन दोस्तों ये कोई बीप का साउंड नहीं देना चाहिए। अगर बीप का साउंड नहीं दे तो ये बिल्कुल ओके है। अब बीप का साउंड देता है तो ये ख़राब है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बीप का साउंड नहीं दे रहा है, यानी कि बिल्कुल ओके है। अगर बीप का साउंड दे तो ख़राब है। और ये दोस्तों अलग अलग वैल्यू का आता है, इसका वैल्यू के ऊपर इसका जो कैपेसिटी है वोल्टेज का वो इस पर प्रिंट रहता है। तो इस तरह का अगर ये ख़राब होगा तो दोस्तों ये भी ख़राब हो जाता है। ये दोनों फ्यूज का काम करता है सर्किट में और ये दोनों एक साथ ख़राब होता है। अगर फ्यूज रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो एमओवी ख़राब होता है। तो दोस्तों अगर आप एलईडी रिपेयरिंग में अगर कोई फॉल्ट आता है जिससे आउटपुट वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है आपको और आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप ये फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिएगा। अगर ये ख़राब है तो इसको सर्किट से बाहर निकाल दीजिएगा और उसके बाद में भी अगर नहीं मिल रहा है तो ये एमओवी को ज़रूर चेक कीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ। अगर इसको बाहर निकाल दीजिएगा उसके बाद भी टेस्ट कीजिएगा तो आपका एलईडी ग्लो करेगा, लेकिन जब ओके हो जाएगा उसके बाद आप दूसरा फ्यूज रेजिस्टर और एमओवी को लगा दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ड्रम इंडक्टर कॉइल, जो ये ब्लैक वाला लगा रहता है, इसका नाम है ड्रम इंडक्टर कॉइल। ये दोस्तों ये भी चेक इसी तरह से होगा, इसको कंटिन्यूटी मोड पर रहेगा और इसमें एक कॉइल रहता है वायर का इस तरह का, तो ये बीप का साउंड देगा तो ओके है, अगर नहीं दे तो ख़राब है। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये बीप का साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये ओके है। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका ये इस तरह का, ये जो तीन कंपोनेंट जो आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा देखने को। उसके बाद में दोस्तों ये पीएफ का बात करें तो इसके लिए एक अलग मल्टीमीटर आता है, उससे चेक किया जाता है। और ये जो कैपेसिटर है इसको भी अलग से चेक किया जाता है। और ये रहा ट्रांसफार्मर, इसको टेस्ट करने का तरीका सेम है दोस्तों, ये बीप का साउंड देगा अगर इसके लेग पर अलग अलग लेग पर लगाएंगे तो इस तरह से ये साउंड का देगा, तो ये यानी कि ये ट्रांसफार्मर ओके है। तो ये दोस्तों ये जो दो कंपोनेंट है, ये कैपेसिटर और पीएफ स्लिप, ये दो कंपोनेंट को आप इस मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग एक मल्टीमीटर आता है। तो इस तरह से बाकी में जितना बचा हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ कि किस तरह से ओके कीजिएगा। और मेरा ये इसका जो आईसी फॉल्ट होता है इसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं आईसी फॉल्ट को कैसे ओके करें बिना आईसी चेंज किए हुए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हरी टेक्निकल।